खुश आमदीद। अपनी वेबसाइट में आप इस तरह का जो है क्रिप्टो की करेंसी प्राइसेस वो किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। और आपने कई दफ़ा इस तरह देखा होगा कि मूविंग जो है टिकर लगा होता है आपकी, उसमें क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस चल रही होती हैं, तो इस तरह का किस तरह लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप अपनी वेबसाइट में आ जाएंगे, प्लगइन सेक्शन में ऐड न्यू प्लगइन करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे क्रिप्टो करेंसी विजेट। तो यहाँ पे ये वाला जो प्लगइन आएगा क्रिप्टो करेंसी एंड प्राइस टिकर कॉइन लिस्ट बाय कूल प्लगइन, तो ये फ्री वाला है, ये हमारे लिए मोर देन एनफ होगा। हम इसको इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सेटिंग्स मैं आपको इसके बाद बताता हूँ कि आप किस तरह ये वाला इस तरह का जो है प्राइसिंग जो है पेज बना सकते हैं, लाइव प्राइसिंग। ये बिल्कुल रियल टाइम और लाइव प्राइसिंग है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो जो टिकर है इसको आप किस तरह अपने बॉटम पे फुटर या हेडर में लगा सकती हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्टिवेट हो गया। अब क्या करना है कि मैंने ये वाला सेक्शन क्रिप्टो करेंसी विजेट प्लगइन जो है ये आ गया, यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूँगा और ये मेरे पास इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। मैं यहाँ पे ऑल विजेट में जाऊँगा तो यहाँ पे ये जो जो भी मैं इसका जो विजेट क्रिएट करूँगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ, पहले सबसे पहले मैं ये टिकर है ये क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टिकर, नाम आप कोई भी लगा सकती हैं। यहाँ पे विजेट टाइप सेक्शन में आ जाना है और टिकर एंड मार्क्यू। अच्छा, ये अब बोल रहा है कि कॉइन जो है वो सिलेक्ट करें आप, मल्टीपल जो जो 240 है सबको भी कलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल क्या करता हूँ कि 100 लगा देता हूँ, टॉप 100, ठीक है। वैसे आप सारे भी कर सकते हैं। अब शो कॉइन कितने करनी है, सिलेक्ट तो आपने कर लिए, मैं चाहता हूँ शो भी 100 ही हो। अब यहाँ से सिलेक्ट फिएट करेंसी, ये जो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी के अलावा जो दूसरी करेंसी है वो कौन सी, आप यहाँ से कोई भी आप रेलेवेंट करेंसी या क्लाइंट की डिमांड के हवाले से चूज़ कर सकती हैं। मैं फिलहाल इसको USD रह सकता हूँ। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि लास्ट 24 भी जो, मैं कि यस शो होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ ये फुटर में शो, ठीक है, जिस तरह ये वाले यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो पोजीशन है टॉप, ये सिर्फ हेडर में ही वर्क करेगी ये वाली, अगर हम हेडर वाला चूज़ करते हैं। अच्छा, ये स्पीड ऑफ टिकर, ये जो इसके चलने की स्पीड है ये कितनी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ से इन्हें वाली ये दिया हुआ है फार्मूला। मैं अब क्या करता हूँ कि इसको 200 पे ले जाता हूँ, ठीक है, या अगर मैं 150 कर दूँ इसको तो फिर देखेंगे स्पीड इसकी आती है। अब ये बैकग्राउंड कलर है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं कोई भी, ठीक है। मैं थोड़ा सा ये वाला और इंचा कर देता हूँ। अब ये फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट कलर, इसके ऊपर जो जो टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर बोल रहा है ये ब्लैक हो, ठीक है। बाकी इसको कुछ नहीं करना, आपने जैसे वो सेव करना है और हम इसको व्यू कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये व्यू आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी रियल टाइम में ये व्यू आ रहा है ये वाला। अब स्पीड ज़्यादा है, स्पीड कम कर सकते हैं हम इसकी, अगर यहाँ पे 250 लगा देंगे तो ये इसकी मज़ीद स्पीड कम हो जाएगी, अभी ज़्यादा आ रही है तो अभी कुछ नॉर्मल है, ठीक है। तो देखें ये नॉर्मल है। अब इसको इस तरह का पेज जो है वो किस तरह बना सकती हैं, तो आपने अभी एक न्यू विजेट हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्राइसेस प्राइस और ये वाला एडवांस टेबल वाला ये विजेट हम चूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी दूसरे भी आप ट्राई कर सकते हैं जो भी है, मैं एडवांस वाला करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो एडवांस वाला लगाया हुआ है। तो कस्टम जो है कॉइन, मैं अगेन इसमें 100 करता हूँ और यहाँ पे USD और पर पेज कितने शो होने चाहिए। यहाँ पे ये जो एक पेज है, ये देखिए ये न्यू पेज आ रहा है, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि 24 शो होने चाहिए, तो यहाँ पे 24 कर देता हूँ। बाकी ऑप्शन ठीक है, कस्टम CSS अगर ऐड करनी है तो इसको पब्लिश करता हूँ। अब यहाँ पे इसने ये व्यू शो करवा रहा है, यहाँ पे भी मैं ये वाला इसका जो शॉर्ट कोड है इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, और ऐड न्यू पेज पे जाऊँगा, ऐड न्यू पेज करूँगा, यहाँ पे पेज का नाम लगाऊँगा लाइव प्राइसेस।
और यहाँ पे पेज को शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, डिफॉल्ट टेम्पलेट में फुल विड्थ कर देता हूँ। ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा जो है। अच्छा, इसको सेव करता हूँ, व्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आ गया। इसको मैं साइड बार हटा देता हूँ, यहाँ से फुल विड्थ कंटेंट बॉक्सेस कर देता हूँ। अब देखिए मेरे पास ये आ गया है, ये सारा फुल रियल टाइम में ये सारा अपडेट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये ब्लैक कलर है। ठीक है, ये ब्लैक कलर कैसे होगा, इसके लिए मैंने ये कोड, इसकी कस्टम जो CSS वो निकाली है खुद से, ये मैंने इसकी जो बनाई है, इसका कस्टम CSS, इसकी जो इंटरनल CSS में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, बैकग्राउंड कलर वगैरह। तो ये अगर आपको चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं। ठीक है, तो आई विल प्रोवाइड। तो अभी क्या करना है कि इसको कस्टमाइज़र में ओपन कर लेना, कस्टमाइज़र, और देन आपने ये जो एडवांस CSS है इसको ओपन कर लेना और इसमें सेम एज इट इज़ पेस्ट कर देनी है। ठीक है, तो ये जैसे पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे ये इसका जो है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी मज़ीद ये टीम टू टीम भी वेरी करती है, तो अगर आप इसको रहने भी देंगे तो क्या होगा कि सिंपली जो है ये भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, ये वाला जो लाइट मोड है इसका। ठीक है, तो आप इस तरह ये जो है अगेन न्यू विजेट करके कोई भी और भी इसके जो विजेट्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं, लाइक मल्टी करेंसी टैब अगर करना चाहें तो टॉप 100 और 50। ठीक है, और मैं इसको पब्लिश करता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये किस तरह का है। ये इस तरह का भी है, सेम आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। ये वाला जो विजेट आपने लगाया है, ठीक है, यहाँ से इसको शॉर्ट कोड को कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ पे आपने आके लगा देना और इसको सेव करना है, अपडेट करना है, और यहाँ पे दोबारा रिफ्रेश करेंगे पेज। तो ये देखें, ये न्यू वाला विजेट, ये वाला विजेट अभी आ गया। इसको कहीं पे भी आप अपने पेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एक और न्यू पे विजेट है वो क्रिएट करके देख लेते हैं। ये वाला जो प्राइस लेबल वाला है, ठीक है, तो अगर इसको मैं टॉप 10 करूं, पब्लिश करूं, इसका देखते हैं कैसे है। तो ये इस तरह का इसका व्यू आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से जो भी टूल आपको जो भी विजेट अच्छा लगे तो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप ये जो क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस अपनी वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।